8 घंटे ही कच्चा कर्मचारी काम करता, 8 घंटे पक्का कर्मचारी काम करता है, उसमें सैलरी में भेदभाव है। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। आज यहाँ जंतर मंतर पर जो ये 5 लोग आप देख रहे हैं झंडा लेकर खड़े हुए हैं, ये पद यात्रा करते हुए आए हैं। किस चीज की पद यात्रा करते हुए आए हैं और किस लिए पद यात्रा करते हुए आए हैं और कहाँ से आए हैं, अभी इन्हीं लोगों से जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा वीरेंद्र जोनती के नाम से जानते हैं मैम। आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। तो ये पद यात्रा, अभी हम सुन रहे हैं कि आप लोग 5 लोग जो है पद यात्रा करते हुए है, कहाँ से पद यात्रा करते हुए चले थे आप लोग? ये पंजाब में अमृतसर है और बाल्मीक, हमारा जो तीर्थ यह है बाल्मीक भगवान का जो मंदिर है, वहाँ से हमने पद यात्रा शुरू की थी। और ये पद यात्रा हमने पावन मंदिर से इसलिए शुरू की थी जो कि हम जो सोए हुए अपने समाज को और कर्मचारियों को जगाने का काम कर सकते, इसलिए हमने वहाँ जो एक पवित्र स्थान है वहाँ से, पवित्र स्थान इसलिए हमें वहाँ से चुना था। तो पद यात्रा करने का मकसद क्या है आपका, पद यात्रा क्यों करनी पड़ी? पद यात्रा ये है जो हमारे कर्मचारियों को कुचला जा रहा है, इनकी जो मांग डिमांड है इनको नहीं, सरकार नहीं मान रही, इसलिए हमने पद यात्रा का एक जो कर्मचारी को जगाने के लिए इसलिए फैसला लिया। अमृतसर से आप लोग चले हैं? हाँ जी। हाँ, अमृतसर में तो आपकी सरकार है, इतना बढ़िया काम कर रही है कर्मचारियों के लिए, वहाँ से लगातार इस तरीके की खबरें आती हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जो कि जो सरकार जो अच्छा काम कर रही है, नहीं, बिल्कुल गलत है, ये आपको संदेश गलत दे रखा है। जो 25 साल से कर्मचारी जो है कच्चे हैं और ना ही उनको सैलरी समय पर मिल रही है, और कच्चे कर्मचारी को और पक्के कर्मचारी जो समान काम समान वेतन है जो, उसमें भी भेदभाव है। 8 घंटे ही कच्चा कर्मचारी काम करता, 8 घंटे पक्का कर्मचारी काम करता है, उसमें सैलरी में भेदभाव है। कच्चे कर्मचारी को 14,000 सैलरी मिल रही है दिल्ली के अंदर, और पक्का कर्मचारी जो है 55,000 रुपये सैलरी ले रहा है, जबकि 8 घंटे कच्चा कर्मचारी काम करता है और पक्का कर्मचारी भी इतने काम। तो काम में भेदभाव नहीं है तो वेतन में भेदभाव क्यों? और जो कि हमारा एक एजेंडा ये था, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में लिखा है, वो 240 हाजिरियों पर सभी कर्मचारियों को पक्का करने का, 240 हाजिरियों की तो बड़ी बात है, जो कि 25-25 साल हो गए जो कर्मचारी जो कुचले जा रहे हैं, 25 साल से कच्चे कर्मचारी पड़े हैं। ये तो आपकी डिमांड है पक्का होने की? पक्का होने की है, जैसे कि कर्मचारी जो हमारा कर्मचारी रिटायरमेंट हो जाता है, ना ही उसको 2-2 साल हो जाते हैं, ना तो उसको पेंशन लागू की जाती और उसका ना ही पैसे का भुगतान किया जाता। हमारी ये मांग डिमांड है, जैसे ही कर्मचारी रिटायरमेंट होता है उसकी तुरंत पेंशन लागू की जाए और उसका जितना भी पैसे का भुगतान किया जाए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण सिंह महरोलिया है और मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ से। तो आप भी पदयात्रा करते हुए चले हैं? जी बिल्कुल मैम, और 19 सितंबर से हमारी पदयात्रा का शुभारंभ पावन वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर से शुरू हुआ और ये 22 दिन की हमारी पदयात्रा रही, और आज 10 अक्टूबर को हम जंतर मंतर पे आपके सामने हैं। तो क्या कुछ मांगे हैं, क्यों आपको पदयात्रा करनी पड़ रही है? देखिए, पदयात्रा का मकसद ये है कि हमने लोगों को जगाना था और लोगों को एनपीएस के खिलाफ खड़ा करना था। एनपीएस एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा कैंसर है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो अभी जो कर्मचारी को जो पैसा कटता है वो एनपीएस में जाता है, और बहुत सारे कर्मचारियों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि उनका कितना पैसा कट रहा है, उनके पास कोई लेखा जोखा उसका है नहीं। तो और दूसरी बात ये है, अगर कल कोई, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है, अगर कल कोई कंपनी भाग जाती है, डूब जाती है, तो कर्मचारी जिनका पैसा कट रहा है वो बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए हमने लोगों को बताया, लोगों को समझाया कि भाई एनपीएस के आप सबको, आप सभी एनपीएस के खिलाफ खड़े हों और इसको बंद कराएं और अपने जो हमारी पुरानी पेंशन है उसको बहाल कराएं। अभी सर ने कहा कि पक्का करने की जो है हमारे लिए लोगों की किया जाए, पक्का करा जाए, तो पक्का नहीं कर रहे तो अच्छी बात है ना, और लोगों को भी मौका मिलेगा, रोजगार मिलेगा। नहीं, पक्का ना करने से दूसरे को रोजगार कैसे मिलेगा? कर्मचारी अगर पक्का होगा तो वो अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक से कर पाएगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगा। तो पक्का होना तो उसका मौलिक अधिकार है, उसको उनके अधिकारों से, कर्मचारी के अधिकारों से उनको वंचित किया जा रहा है, तो उसी के खिलाफ ये मजदूर अधिकार पद यात्रा है। हम तो चाह रहे हैं कि पूरे देश का सफाई कर्मचारी पक्का हो और वो अपने बच्चों का ठीक से पालन पोषण कर सके।
मगर आपके ऊपर तो आरोप लगता है काम नहीं करते आप लोग। देखिए अगर काम नहीं कर रहे होते तो हाँ। दिल्ली के चारों तरफ इतने बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ ना होते, और दूसरे लोगों जो और लोग हैं उन कूड़े के पहाड़ों में से उनको भले ही बदबू आती हो, लेकिन हमें वहाँ अपने सफाई कर्मचारी भाई बहनों के खून और पसीने की महक आती है। तो मतलब ये जो आरोप लग रहा है वो झूठा है? बिल्कुल निराधार है, और मैं जो लोग ये इस तरह के आरोप लगाते हैं मैं उनसे कहूँगा कि वो एक दिन आए हमारे साथ और जैसा काम हम करते हैं उस तरह से वो काम करके दिखाएं। ये जो लोग ड्रामेबाजी करते हैं ग्लव्स पहन करके मास्क लगा करके और वो स्वच्छ अभियान का नारा वो देते हैं, और वो थोड़ी सी झाड़ू लगाते हैं, थोड़ा सा कूड़ा फैलाते हैं खुद ही, और फिर उसको झाड़ू से साफ कर देते हैं, कूड़ा फैलाते हैं खुद ही, कूड़ा फैलाते हैं। जी ने भी झाड़ू उठाई थी सफाई की। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो लोग ड्रामेबाजी करते हैं मैं उन्हीं को कह रहा हूँ कि वो लोग ड्रामेबाजी करते हैं, खुद कूड़ा फैलाते हैं फिर खुद ही झाड़ू लगाते हैं। हमारा जो हम जो सफाई कर्मचारी हैं हम ओपन बिल्कुल खुले हाथ से काम करते हैं, हमारे पास कोई ना मास्क होता है ना ग्लव्स होते हैं ना कोई सेफ्टी किट होती है, उसके बावजूद हम सफाई कर्मचारी हमारा कर्मचारी काम करता है और 70 बीमारियों को अपने शरीर में लेकर के जाता है और अपने परिवार में उन बीमारियों को बांटता है। मगर दिल्ली सरकार ने तो किट जारी की कर्मचारियों के लिए। नहीं हम तो कर्मचारी नहीं, हम तो दिल्ली सरकार के अधीन है नहीं, हम दिल्ली सरकार के अधीन नहीं, हम तो हमारा तो निकाय है, नगर निगम हमारा इकाय है जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो है 15 साल से काबिज थी, लेकिन अभी एक साल से वो चुनाव ना होने के कारण अब निगम के जो हमारा एलजी साहब देख रहे हैं उसको। सर आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम किताब सिंह निगरा है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 62 साल उम्र है। आप भी पैदल यात्रा करते हैं? हाँ जी मैं पैदल यात्रा करता हूँ और मैं रिटायर हूँ। रिटायर हो चुके हैं? हाँ, फिर भी मैं लोगों के समर्थन में खड़ा हूँ ताकि भाई हमारे भाइयों का काम हो, उसका हर आदमी पक्का हो, हर आदमी मिल रही है आपको? जी पेंशन मेरी मिल रही है। क्या दिक्कत है, आराम से मौज लीजिए। नहीं मौज लेने का नहीं, मौज लेना मैं नहीं चाहता ना, ताकि हमारे भाइयों जो दिल में जो हमारे दर्द है उनका हम दर्द समझते हैं, क्योंकि हम इस डिपार्टमेंट में नौकरी कर चुके, हमने पता है इन लोगों के अंदर विरोध मतलब पैदा कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, गलत काम कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे, कि लोगों ने यह पता जो लोग भुखमरी पर है वो क्या करेंगे, उन्हें भी चाहिए। अपने अकेले सब खड़े होते हैं और अपने हक के लिए तो अपने बच्चों के लिए अकेले लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। तो मतलब अभी इनको लोगों को भी लड़वाएंगे आप? तो अपने अकेले उसे भी लड़ना पड़ता है, बगैर लड़े को देता है? मतलब आपने काम किया, काम करने के बाद पेंशन ले रहे हैं, बैठ रहे हैं घर में, आराम से बैठना चाहिए लोगों। अपना काम नहीं है, हमें संघर्ष लोग हम संघर्ष करना जानते हैं, संघर्ष करना हमें। जी बिल्कुल, इस बीच में हमारे से बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से हमारी बात हुई है, प्रेस से बात हुई है। नहीं सरकार की तरफ से नहीं, सरकार अगर सुन रही होती, सरकार अगर सुनती तो हमें इतना लंबा पैदल ना चलना पड़ता, 22 दिन अपने परिवार से दूर ना रहना पड़ता। तो अगर यही तो दिक्कत है, हमने सिर्फ इसलिए नोटिस में डालने के लिए जो 600 किलोमीटर का जो सफर तय किया सिर्फ इसीलिए कि हम सरकार की नोटिस में आए, सरकार हमारी बात सुने। लेकिन सरकार नोटिस नहीं कर रही है, सरकार हमें अनदेखा कर रही है, लेकिन हम मानने वाले नहीं है। हम जो है क्रांतिकारी हैं और मिशनरी लोग हैं, अपने मिशन पे फिर निकलेंगे। हाँ बिल्कुल, यही दिक्कत है ना। देखो वो लोग मशहूर लोग हैं, वो नेता हैं, अगर उनका कुत्ता भी अगर खो जाता है तो उनके लिए उसकी में तो बहुत सारा अमला जमला लग जाता है उसका कुत्ता ढूंढने में, लेकिन अगर कर्मचारी की मौत भी हो जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए अच्छी बात है, मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ सम्मान मिले, जिस धर्म में भी सम्मान मिले वहाँ जाइए, जहाँ इज्जत सम्मान नहीं है छोड़ दो, उसको क्या दिक्कत है, कोई बुरी बात नहीं है। सर आप भी आए हैं क्या पदयात्रा? मैं तो राजस्थान से आया हूँ, चूरू जिला से, सुजानगढ़ के मेरा गांव है, रेवतमल पवार मेरा नाम है, और मैं तो मर्द कर्मचारी की नौकरियों के बारे में ज्ञापन देने आया हूँ अमित शाह जी को। कभी मर्द कर्मचारी की नौकरी उनको बच्चों को दी जाए, उन तीन बच्चों की जो डिमांड रखते हैं कि तीन बच्चों वाले वो नौकरी नहीं देंगे, तो उस बात को खारिज किया जाए और उनको नौकरी दी जाए उनको बच्चों को। तो अभी ये लोग जो पांच लोग थे जो पदयात्रा करते हुए अमृतसर से चले थे और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ जो लगातार संघर्ष करता रहा है और हमेशा से हक अधिकार की बात करता रहा है, क्योंकि इनके बच्चे भी आगे और ऊंचे पदों पर बैठ सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, यही बताने के लिए यहाँ पर ये लोग आज जुटे हैं कि आखिर सफाई कर्मचारी एक सफाई कर्मचारी ही बनकर नहीं रह सकता है, वो भी आगे और ऊंचे पदों पर बैठ सकता है, उनके बच्चे भी ऊंचे पदों पर बैठ सकते हैं, लेकिन जो सरकारें इनका वोट लेकर ये सब भूल जाती है और दावे वादे करती है, लगातार इनके साथ खड़े रहने की जो बातें करती है वो वादे और दावे कितने सत्य हैं
ये आपने आज देख लिया। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर।